26 रुपए किलो करेले ना घर यार अब जगह मजेदार मजेदार सिडब भाषा पाकिस्तान मजेदार ये मलेशिया का दुरियान है जो सबसे फेवरेट है मलेशिया के लोगों का और ये मिलता भी आई थिंक इंडोनेशिया और मलेशिया में सिर्फ। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम हो गया आपका एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ और हम जा रहे हैं पासरमालम में, तो मिलते हैं आपको पासरमालम में ही जाके। जी जनाब, ये है पासरमालम। पासरमालम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये शाम को लगता है, मलेशिया में शाम को बोलते हैं मालम। आपको ये रश नज़र आ रहा है, ये इसी तरह आपको नज़र आएगा। इस साइड भी है जी बेकरी का सारा सामान और उसके साथ आ गया जी फ्रूट और हमें चाहिए सब्ज़ी। एहसान भाई करेंगे अभी डीलिंग सब्जी। अब खबर अंकल बैंगन लपन रिंगिट 8 रिंगिट के 8 किलो किलो बड़े महंगे नहीं यार, ये तो बहुत महंगे नहीं यार, बहुत महंगा है। पासर पेस वाला रेट है, जो रश देख रहे हैं जी जनाब, फुल टाइम रश रश बहुत ज़्यादा है। आवाम एक दूसरे के साथ बज रही है फुल टाइम अपना बचा के। ये जी रो गन्ने का जूस, तो पाकिस्तान गर्मी बड़ी है, पूछो पखे पखा गन्ने का 30 रुपए का किन्ने बन गए पाकिस्तान 2400 2400 रहन दे, इन्हू लै के सू गर्मी नहीं लगनी जिडा महंगा। ओके जनाब, ये आ गया फ्रूट, नज़ारे मलेशिया के नज़ारे, क्या बात है जी। सब्जी 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 करने है पता कीजिए पंजे फ्राई की थे जना वे दे पे। आओ जी आओ, ये मलेशिया का दुरियान है जो सबसे फेवरेट है मलेशिया के लोगों का और ये मिलता भी आई थिंक इंडोनेशिया और मलेशिया में सिर्फ। ओके जी, ये आ गया एग सेक्शन, यहाँ पे अगेन आ गया अंगूर। क्या जी सब्जी चेक करो, सब्जी मैंने बीमार बीमार लग रही है। चाचा जी किलो लपन रिंगिट किलो किलो ये अद्धा किलो आता पे कि किलो आता पे 8 रुपए का बस बस 7 किलो पापा 7 किलो लपन प्लस। लपन प्लस तेरा भला, ये करेले तो सानू खवा रहे हैं कि निका गोश्त खवा रहे हैं, पाकिस्तानी बन गया जी ये जनाब, ये बहुत महंगा रेट है 13000 तो। जुत्ती चेक करो ना, चो पसंद करो जेडी वजन दे बेचो जरा को हल्की वजे आइए दवा करो। महंगा ही बड़ा जितना है, ये बहुत महंगा पास है, ऐसी तो कुछ और समझ गया ऐसा। ए फ्राई आई है मैं जनाब, किले पाएंगे 2600 रुपए किलो करेले ना घर यार। यहाँ पे इन लोगों की एक तारीफ करना पड़ेगी कि ये लोग सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, आपको कहीं भी गंद वगैरह नज़र नहीं आएगा, इवन कि जब ये पासर ख़त्म होगा तब भी नहीं नज़र आएगा। जो जो लोग हैं ये सब अपना सफाई करके फिर जाएंगे। जनाब पूछो हर रेट की जे तुजू रिंगिट किलो, पाकिस्तान करो कन्वर्टन 60000 रुपए साथ काम दो तुसा करना, जरा मेरा मैथ जरा कमजोर है। तकरीबन प्राइस आंदे है जी 500 रुपए किलो। ओके, इसका मतलब मलेशिया से भी महंगाई है वे। आपको जनाब मेरी कहीं भी गंद वगैरह नजर नहीं आएगा, कूड़ा क्रिकेट नजर नहीं आएगा, इतने ज्यादा लोग होने के बावजूद इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि ये लोग डिसिप्लिन है और ये लोग अपनी जो सफाई का ख्याल रखते हैं। आप अगर चल रहे हैं, आपका किसी के साथ एक्सीडेंट भी हो गया चलते चलते,
तो वो आपसे पहले आपको सॉरी बोलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है, पर ऐसा होना चाहिए। यहाँ भी आपको मिलेगी जनाब मेरी छली भी मिलेगी, ये भी छली, उसके बाद ये पालक है, पता नहीं क्या क्या है, मिर्च। ओके जी, शॉर्ट्स ये पड़े हैं, यहाँ पे पूछते हैं इनकी क्या प्राइस है। आंटी इधर रे, आंटी ये प्रभा टिका लपन 30 रुपए की, यार एडा महंगा क्यों हो गया पासर, इतने भी कितने नवा मलेशिया तो नहीं बनया, जिन्हें पाकिस्तान नवा पाकिस्तान बनया सी, बड़ा हरामी हो बेटा। मलेशिया में जो पासर है ये तकरीबन पूरा हफ्ता लगते हैं, हर जगह में अलग अलग जगह लगते हैं, हमारे पास जो नॉर्मल लगता है वो मंगल वाले दिन लगता है। और जिधर हम लोग पहले रहते थे वहाँ लगता था हफ्ता वाला दिन, यहाँ पे लगता है मंगल को। और ये है जी पासर का लास्ट, यहाँ पे रश नहीं है, इसलिए हम भी अपना रिवर्स लगाएंगे वापसी की तरफ। ओके यार बाबा, केड़ी आइटम होनी चाहिए जी पासर के बिच असी बेचिए, बिरयानी ना ला लीजिए। बिरयानी कसम बिक जे तेरे हाथ की बाबा, बिरयानी लाई हो, वो 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 ऐसे नज़ारे, ऐसे नज़ारे, चीने पागल हो जाने तेरी बाबा बिरयानी खा के। 10 सेकंड की भी नहीं, 8 की ला लो, सही है, 10 सेकंड की ला के बिरयानी तो ठीक है। बंदे के साथ बंदा बाज रहा, और मैं और एहसान भाई अपनी विंडो शॉपिंग करने में मसरूफ हैं। ਦੀ ਵਰਾਈਟੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤੂੰ ਨਾਮਾ ਬਾਬਾ ਅੰਪੰਗ ਬਾਲੇ ये मलेशिया गुड, हाँ मलेशिया गुड। अब हम चेकअप मज़ेदार मज़ेदार सिडअप तू भाषा पाकिस्तान मज़ेदार मज़ेदार पाकिस्तान इसको मैं बोल रहा हूँ क्यों बांग तिरमा कैसे ओके। मलेशियन जो लोग हैं ये ज़्यादातर बाहर से खाने के शौकीन हैं, आप कहीं भी देख लें ये लोग बाहर से खाना खाना पसंद करते हैं, घर में ये लोग बहुत ज़्यादा कम खाना बनाते हैं। इसी वजह से मलेशिया में होटलिंग का जो काम है वो बहुत ज़्यादा है, दूसरे कामों की निस्बत सबसे ज़्यादा जो काम है वो होटलिंग का है, क्योंकि ये लोग 3 टाइम बाहर से खाना पसंद करते हैं, घर में ये खाना बहुत कम बनाते हैं, बनाते होंगे लेकिन एवरेज ज़्यादा जो है वो बाहर से लोग खाते हैं। यहाँ पे भी आपको पासर में भी आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोगों का जो रश है वो खाने पीने वाली चीज़ों की तरफ है, जो दूसरी चीज़ें हैं उनकी तरफ कम है। ये देख लें, ये पता नहीं क्या है जी जनाब, आपको सैर करवा दी है। ओहो एक मिनट, मज़ेदार ये जनाब, आज आपको सैर करवाई है पासर मालम की, उम्मीद करते हैं आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा और देखा होगा कि मलेशिया में जो पासर है वो किस तरह लगता है। तो आज की यही थी वीडियो, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच।